सेवन्थ क्लास हमने चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन स्टार्ट कर रखा था, तो आज हम उसी के कुछ और एग्जांपल्स, कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और इक्वेशंस को सोल्व करके देखते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें क्या है, हमें जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि सिंपल इक्वेशंस जो है आगे चलकर कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनेगी। सेम टू सेम यही चैप्टर आपके 8th क्लास में भी आएगा, एंड अगर आप इस चैप्टर को आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप 8th क्लास के स्टूडेंट की हेल्प भी कर सकते हैं क्वेश्चंस निकालने में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोर इक्वेशंस। अब देखिए इसमें जो इन्होंने जो तरीका यूज़ किया है वो लॉजिकल है पूरी तरह से बिल्कुल, क्योंकि NCERT अच्छी चीज़ें ही यूज़ करती है अपने मटेरियल में, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है आपको वो तरीका पसंद ना आए। देखिए इन्होंने क्या किया, जैसे अपने पास ये क्वेश्चन है 12P-5=25, यहाँ पर 5 क्या है, माइनस में है, ठीक है। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इन्होंने क्या किया, वी कैन ट्रांसपोज ए नंबर इंस्टेड ऑफ एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। तो पहले क्या करते हैं, देखो अपने पास माइनस 5 को गायब करना है, उसके लिए उन्होंने क्या किया, दोनों तरफ प्लस के 5 को ऐड कर दिया, तो माइनस 5 से प्लस 5 तो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब लेफ्ट वाला राइट में ले जाएंगे, राइट वाला लेफ्ट में ले जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, 5 उधर जाएगा तो 25 प्लस 5 30 हो जाएगा। पी की वैल्यू कितनी आई, 30/12, ठीक है। देखो 30/12 आ गई, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम चाहें उसको तो ट्रांसपोज भी कर सकते हैं, जैसे इन्होंने देखो एक बार एग्जांपल लिया है। पहला तरीका क्या है, 3P-10=5, पहले उन्होंने क्या किया, दोनों तरफ 10 को ऐड किया, दोनों तरफ 10 को ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का 10 है यहाँ, प्लस का 10 है, ठीक है। तो यहाँ से कट जाएगा, लेकिन अगर हम सीधा ही -10 को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 10 इट विल बिकम +10, ठीक है। तो जो हम तरीका करते आए हैं उसको हम ट्रांसपोज बोलते हैं। ट्रांसपोज मतलब लेफ्ट वाले को राइट मिले गए, राइट वाले को लेफ्ट मिले गए, ओके। चलिए एग्जांपल नंबर 7 को देखते हैं। पहले 4(m+3=18), ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई में है तो पहले हम 4 को लेकर जाएंगे। देखो ब्रैकेट के बाहर वाले को पहले सॉल्व करो या फिर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, इट्स योर चॉइस। तो ब्रैकेट के बाहर है 4 को हम उसके नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 18/4। 18/4 कितना होता है, 9/2, दैट इज 4.5। तो ये कितना आया, m+3=4.5। तो m कितना आ गया, 4.5-3, दैट इज 1.5। 1.5 क्या होता है, 1.5, दैट इज 3/2, ठीक है। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अच्छा इसका आंसर बताइए फटाफट से क्या आएगा, तो सबसे पहले आपने क्या किया, -2 को उसके नीचे ले गए, 8/-2 कितना हुआ, -4। फिर यहाँ पर x+3 है, 3 को उस तरफ लेके जाएंगे तो -3 हो जाएगा, तो -4, -3, -7, ठीक है। देखो -7 आंसर है। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम सॉल्यूशन टू इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन टू सॉल्यूशन, हम देखो दोनों काम कर सकते हैं। हमें सॉल्यूशन गिवन हो उसकी हेल्प से हम इक्वेशन बना सकते हैं, और इक्वेशन हो उसकी वजह से हम सॉल्यूशन भी, सॉल्यूशन तो निकालते ही हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे हमारे पास एक डाटा हमें दे रखा है, चलिए इसको देखते हैं एक बार एग्जांपल से। हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस है, इसमें आपने पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम चलो ट्राई करते हैं इनको। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन इक्वेशंस को आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कौन सा क्वेश्चन करें इसमें से आप अपनी तरफ से। चलिए हम इसमें करते हैं क्वेश्चन नंबर 1st का जी पार्ट, जी वाला पार्ट कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर 19/2 है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है हम डिवाइड कर सकते हैं तो आप डिवाइड कर दो, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन पॉइंट्स में थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, ऐसा मैंने चेक किया है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे ही रेशियो में ही रखते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। फ्रैक्शन के अंदर ही ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि एलजेब्रा के अंदर हमें आंसर पॉइंट्स में नहीं चाहिए होता, हमें इसके अंदर रेशियो की फॉर्म में ही हम आंसर को यूज़ करते हैं, दैट इज़ रेशनल नंबर की फॉर्म में, ठीक है। P/Q की फॉर्म में हम आंसर को प्रेफर करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 19/2 को उस तरफ लेकर जाएंगे। 19/2 कितना होता है, 9.5 होता है,
ठीक है, 9.5 को हम उस तरफ ले जाएंगे, तो 13 में से 9.5 आप माइनस कीजिए तो कितना आएगा, ठीक है, 13 में से 9.5 तो 3.5 आ जाएगा, ठीक है, 13 में से 10 माइनस किया तो कितना आया 3, और 0.5 और करना है तो 3.5 हो जाएगा, ठीक है, तो ये कितना आया 3.5। अब 7m इज इक्वल्स टू 3.5 बचा, तो m कितना बचेगा 3.5 डिवाइड बाय 7, ठीक है, तो हम पॉइंट को नीचे लेंगे तो क्या आएगा 35/70, और 35 का डबल 70 होता है, तो m की वैल्यू आई 1/2। ओके, इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है हमारे पास कि अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे हमारे उतना ही ये स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस ज़रूर करना। और चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इसी के। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें करना है, मान लीजिए ई पार्ट, मुझे ई पार्ट का आंसर बताओ कि क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 इधर ब्रैकेट के बाहर है यानी मल्टीप्लाई में है, तो 4 उधर चला जाएगा, 8/4 कितना 2, यहाँ है 2 - x = 2, यही बचेगा। अच्छा, 2 को उस तरफ लेके जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस का एक्स इज इक्वल्स टू 2 - 2 दैट इज़ 0, माइनस के एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 0, तो एक्स की वैल्यू भी कितनी आएगी 0, ठीक है। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो एक बार इसको वेरीफाई करते हैं आंसर। अगर हम एक्स की जगह यहाँ 0 रखते हैं तो 2 - 0 2 ही होगा, और 4 * 2 8 होगा। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है, तो वेरीफाई करने पर भी हमारे पास आंसर सेम आता है। तो आप इसमें क्या है कि इन चैप्टर्स की, इन इक्वेशंस की अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए, एकदम इनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम क्या करें कि वेरीफाई भी करके देखें साथ के साथ। जो भी आप आंसर लेकर आओ, जो भी आपका आंसर निकले, आप उसको क्वेश्चन के अंदर पुट करो और चेक करो कि वो वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। वेरीफिकेशन से क्या होता है, हम कन्फर्म हो जाते हैं आंसर के लिए, ठीक है, इज दिस ओके। तो चलिए ठीक है, मान लेते हैं, चलो हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं, सी क्वेश्चन करते हैं, थर्ड का सी पार्ट। हमने अभी तक जो क्वेश्चन किया उसमें टी लेफ्ट हैंड साइड में था, बाकी सब राइट हैंड साइड में थे, जो भी हमारे पास वेरिएबल था, लेकिन हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, हम इसको कहीं पर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये राइट में होगा तो बाकी सारी चीज़ें किस तरह जाएंगी, लेफ्ट में जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले प्लस है तो 4 पहले उधर जाएगा, ठीक है ना, सबसे पहले 4 उधर जाएगा, तो 16 - 4 दैट इज़ 12। अब टी ब्रैकेट के बाहर है तो टी 3 नीचे जाएगा, तो 12/3 4। अब यहाँ पर 2 प्लस में है तो 2 उधर जाएगा तो माइनस में, तो 2 इज इक्वल्स टू टी, पहले 4 बचा था ना, 4 - 2 इज इक्वल्स टू टी दैट इज 2 इज इक्वल्स टू टी, यानी टी की वैल्यू 2 आई, ठीक है। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विद x इज इक्वल्स टू 2, जिसमें x की वैल्यू 2 आए, आपको ऐसी 3 इक्वेशंस बनानी है। तो x इज इक्वल्स टू 2 एक इक्वेशन तो हमारे पास यही है, दूसरी क्या हो जाएगी, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3, उससे बात क्या हो जाएगी, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5। आप इसमें कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस, ठीक है। तो आज का आपका होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 4.3, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार आप इनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। चलिए तो आप इनको आराम से एक बार ट्राई कीजिए। ओके, थैंक यू।